हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में फाइटर टोड सीरीज की कॉमिक बिजनेसमैन का तीसरा और अंतिम भाग। चलो, इसको चीटिंग का जवाब मिल गया, लेकिन हमको तो कुछ नहीं मिला। अब हम क्या करें, चलो बाहर चलकर सोचते हैं। अब यहाँ रहने में कोई फ़ायदा नहीं है। फाइटर टोड से एक बार फिर मायूस हो गए थे, अब हम क्या करें। हमको कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो हम अच्छी तरह से कर पाएं। अरे ऐसा कुछ काम तो होगा ही ना जिसे हम अच्छी तरह से कर सकते होंगे। अरे अगर कहीं से सड़ी मछली की महक ना आ रही होती और मुझे कसकर भूख न लग गई होती तो मैं कुछ सोचकर जरूर बताता। मछली, ये देखो मछली बाजार। लोग समुद्र में मछली पकड़ते हैं, यहाँ पर लाकर बेचते हैं और लाखों कमाते हैं। ये काम तो हम चुटकियों में कर सकते हैं। अरे हमसे अच्छी मछली कौन पकड़ सकता है, आओ। कुछ ही पलों बाद फाइटर डोर पानी के अंदर गोता लगाकर मछलियों की तलाश कर रहे थे। यार ये मछलियां तो पकड़ में ही नहीं आ रही हैं, हाथों से फिसली जा रही हैं। ये मनुष्य मछलियां कैसे पकड़ते हैं, मुझे क्या पता, मैं कोई मनुष्य थोड़ी हूं। कोशिश करता रहे, कभी ना कभी तो मच्छी पकड़ में आएगी। इसी वक्त समुद्र की सतह पर बॉस गलफड़े समुद्र तट आ रहा है। अब कोस्ट गार्ड्स और कस्टम वालों की बोट भी हमारी तलाशी लेने आ रही है, कहीं हम इस बार पकड़े ना जाएं। घोंगे, तेरा दिमाग भी तेरे नाम की तरह ही सुस्त है। अरे मैं नकली दवाइयां बनाने का कच्चा माल सिंगापुर से पहली बार लेकर नहीं आ रहा हूँ। हाँ इस बार कुछ हीरोइन भी साथ लेकर जरूर आया हूँ, पर इस बार मैंने तस्करी का जो तरीका अपनाया उसे कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि इस बार मेरा सारा माल प्लास्टिक की छोटी थैलियों में बंद है। और वो प्लास्टिक की थैलियाँ जिंदा मछलियों के पेट में भरी हैं, और वे मछलियाँ इस डोर से लटके एक जाल के अंदर बंद समुद्र में तैर रही हैं। जब हम तट पर पहुंच जाएंगे और कस्टम वाले दफा हो जाएंगे तो हम मछलियों का जाल ऊपर खींच लेंगे और फिर कच्चे माल को अपनी फैक्ट्री में ले जाकर दवाइयों की गोलियां और कैप्सूल बना लेंगे। ओए मास्टर, वो देख, टोड़ देव ने हमारी मुश्किल आसान कर दी। कितनी सारी मछलियां जाल में बंद होकर तैर रही हैं। ओ अब मुझे याद आया, आदमी ऐसे ही तो मछलियां पकड़ते हैं, ये जाल तो किसी आदमी का लगता है। अरे आदमी होते तो जाल को तुरंत ऊपर खींच लेते, ये तो कितनी देर से लटका तैर रहा है। इनको तो टोड़ देव ने पकड़कर भेजा है हमारी मदद के लिए। ऐसा है, 5 मिनट तक और देखते हैं। अगर किसी ने इस जाल को ऊपर नहीं खींचा तो हम इन मछलियों को टोड़ देव का आशीर्वाद समझकर ले जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, ले हो गए 5 मिनट, अब हम इनको ले जाते हैं। अब चल इनको फटाफट मछली बाजार में बेचते हैं और लाखों कमाकर तौकी जी को वापस करते हैं। सतह पर, सर इस स्टीमर से तो कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। मैं तो पहले ही कह रहा था, अरे मैं कोई नकली दवाई बनाने का धंधा थोड़ी करता हूं। हा, देखा मेरी चाल घोंगे। अब मैं इस डोरी को ऊपर खींचूंगा और साथ ही ऊपर खिंचाएगा वह जाल जिसमें बंद है मेरे दिमाग का कमाल। अब तो मैं इतना निश्चिंत हूं कि डोरी भी बगैर ताकत लगाए खिंचती आ रही है। हैं, ये डोरी तो कटी हुई है, तभी ये डोरी इतनी आराम से खिंचती आ रही थी। घोंगे, डुब्बा, गोले, पानी में डुबकी लगाओ और देखो कि हमारा बेशकीमती माल भरी मछलियों वाला जाल कहाँ गया है। गलफड़े के आदमी ने थोड़ी देर में उस इलाके का पूरा समुद्र छान मारा, लेकिन बॉस कुछ नहीं मिला, हमारा जाल एकदम गायब है। यानी हमारे जाल की डोरी कटी नहीं है, काटी गई है, कोई जानबूझकर हमारी मछलियों को ले गया है। पूरे राजापुर में छान मारो, ढूंढो हमारी बेशकीमती मछलियों का, वरना मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। फाइटर टोड्स बॉस गलफड़े की दवाई और हीरोइन से भरी मछलियों को बेचकर लखपति बनने की सोच रहे थे। यार इनको बेचते कैसे हैं, जो बगल वाला चिल्ला रहा है वही तू भी चिल्लाने लग, अपने आप ही लोग मछली खरीदने आ जाएंगे। मछली, ताजे पानी की मछली, गंगा जी की मछली। तोड़ भी चालू हो गए, मछली ले लो, मछली, पानी वाली मछली, समुद्र की मछली। मगर ये इसे क्यों बेच क्यों रहे हैं, मुझे तो इनकी महक से भूख लगती ही जा रही है, लगती ही जा रही है। कचर कचर कचर, यम यम, वाह क्या स्वादिष्ट मछलियां हैं, इनको तो पेट में तैरना चाहिए, लेकिन इनको खाने से मुझे चक्कर क्यों आ रहा है। कार्टर बेचारा भला क्या जानता था कि इन मछलियों में एक वह मछली थी जिसके पेट में हीरोइन से भरी थैली ठूंस दी गई थी। हाँ भाई, इन मछलियों का क्या भाव लगाया है। भाव, भाव क्या होता है, भाव मतलब दाम, बता कि कितने में बेचेगा। दाम, अब दाम तो मुझे पता नहीं, आप ही बता दो कि क्या दाम लोगे। देखो तुम्हारी मछलियां जरा छोटी छोटी हैं और हैं भी खारे पानी की, पर मैं तुमको एकदम सही भाव बताऊंगा, 2 रुपये किलो लगा लो। 2 रुपये किलो, इससे तो हमारा काम नहीं चलेगा, हमको तो 5 लाख चाहिए। 5 लाख, अरे जाकर और मछलियां पकड़ लाना, अभी तो मैं 2 रुपये किलो में खरीद रहा हूं, वरना कोई और तो 1 रुपये किलो भी नहीं देगा। अरे अरे ये तो नाराज हो गया, रोक मास्टर रोक इसे, वरना आधे दाम पर माल बेचना पड़ेगा। अरे अरे आप तो नाराज हो गए, अच्छा ले जाइए, कितनी मछली चाहिए आपको।
सारी की सारी दे दो और आराम से घर जाओ। फिर मैं यहाँ पर अपनी दुकान लगाकर यही मछलियाँ 80 रुपये किलो से कम नहीं बेचूंगा। ए क्या कर रहा है, टनों मछलियाँ 2 रुपये किलो के भाव में? अरे हम सब बर्बाद हो जाएंगे, पूरा मार्केट बैठ जाएगा। ओए तू चुप रह, जिसका माल है वह चाहे 2 रुपये का बेचे या फ्री में दे दे, तुझे क्या? अरे इसके बाद जो भी ग्राहक आएगा वह 2 रुपये किलो वाली मछली ही मांगेगा, हमारी मछली कौन खरीदेगा, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, मछली 80 रुपये किलो से कम नहीं बिकेगी, बिल्कुल मछली 80 रुपये किलो से कम नहीं बिकेगी। ये दुकानदार तुमको यहाँ पर धंधा करने देना नहीं चाहते, तुम नए हो ना, तुमको भगाना चाहते हैं, बर्बाद कर देना चाहते हैं। ऐसा जो हमको बर्बाद करने की सोचेगा हम उसकी शक्ल बर्बाद कर देंगे, हम तो माल बेचेंगे यहीं पर बेचेंगे और 2 रुपये किलो ही बेचेंगे। हल्ला गुल्ला सुन सुनकर वहां पर भीड़ जमा होने लगी थी। बॉस गलफड़े, देखो हमारा जाल और मछलियां, ओ ये 4 फुटिया हमारा माल औने पौने दामों पर बेचकर बिजनेसमैन बन रहे हैं, बुला अपने फुल गैंग को। बात बहुत आगे बढ़ गई थी, मारो इन ओवरकोट धारियों को, फाड़ दें इनके कपड़े, टॉर्च एक्शन। अरे ये तो मैटा क्या है, मैडम खोया साहब, जो हमारा धंधा बर्बाद करने की सोचेगा उसे हम नहीं छोड़ेंगे, मारो। और फिर वहां पर एक भीषण युद्ध छिड़ गया, धार धार धार। लेकिन टोर्ट्स के लिए अभी 2 नई मुसीबतें और आने वाली थी, उनमें से एक तो बॉस गलफड़े की थी लेकिन दूसरी मुसीबत उससे ज्यादा तगड़ी थी। यह मैडम यहीं कहीं होना चाहिए, तौकी के अपार्टमेंट वाले चौकीदार से पता चला तो मैं रैन बसेरे में जा पहुंचा और उसके बाद मुझे रिपोर्ट मिली कि 4 मैडक बुल फाइटिंग रिंग में देखे गए हैं, और उस जगह से यह पता चला कि वह मैडम इसी तरफ आए हैं, अब वे मुझसे बचकर भाग नहीं सकते। लड़ाई जारी थी। ओए तुम लोग भी मछली खा लड़के हो रहे, ये मेढक तो अच्छी मछली खिला रहा है यार टकले। तभी लड़ाई तो जारी रही पर दृश्य बदल गया, हट जाओ सभी हट जाओ वरना जो हमारे रास्ते में आएगा मारा जाएगा, ठा ठा ठा। अबे अबे मास्टर, वो तो हमारी मछलियां उठा रहे हैं, ये भी जरूर दुकानदारों के ही आदमी होंगे। चिंता नहीं कि यार, हमारे रहते ये मछलियों की महक तक नहीं सूंघ सकते। भून डालो इन मेढकों को, देर मत करो, हमको फटाफट यहां से निकल लेना है। मास्टर और शूटर निशाना लगाकर चलाई गई गोलियों से तो बच सकते थे लेकिन बेतरतीब तरीके से हवा में उड़ रही गोलियों से बचना बहुत मुश्किल था। था चुं चुं। ओए तू यहां पर क्या कर रहा है कटर, जाकर मास्टर और शूटर की मदद करना, वे चोर हमारी मछलियां लेकर जा रहे हैं। हमारी मछलियां ले जा रहे हैं, अभी रोकता हूं मैं उनको। ए चोरी, हमारी मछलियां ले जाएगा कटर खाएगा क्या? वही कटर पागल हो गया क्या, गोली लग जाएगी, पीछे आ जा। लेकिन जैसे गोलियां बेतरतीब तरीके से चल रही थी वैसे ही कटर भी बेढंगे तरीके से चल रहा था, इसलिए दोनों का मिलन ही नहीं हो पाया। थार ओए रख ये कटर की मछलियां, तो लगता है ना मछली चोरों का बॉस है, सबसे ज्यादा तो तेरी पिटाई होनी चाहिए। तभी हाँ मिल गए 4 मेंढक, अब मैं फिर से इंस्पेक्टर बनूंगा, कोई मतलना। पुलिस जल्दी से मछलियों और इस मेढक को गाड़ी में डालो और चलो हमारी नकली दवाई की फैक्ट्री, वहां पर हमारा खरीदा पैकेट लेकर आता ही होगा। इस मेढक को भी? पर क्यों बॉस? क्योंकि जब तक ये हमारा बंधक रहेगा तब तक ये खतरनाक मेढक पार्टी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ओ वे कटर को ले गए, हमको उनके पीछे जाना चाहिए। पीछे तो जाएंगे ही जाएंगे लेकिन अगर उछल उछल कर गए तो पुलिस जी भी हमारे पीछे पीछे लगे रहेंगे, गटर गटर चलते हैं। ठीक है आ जा, पर गटर के अंदर से गाड़ी का पीछा कैसे करेंगे? वैसे ही जैसे हैकर और लॉन्चर की गाड़ी का पीछा किया था कच्छ के रेगिस्तान तक, अपने कंप्यूटर का कनेक्शन एक सैटेलाइट से मिलाकर। अब आओ इस संबंध में जानने के लिए पढ़ें नई दिल्ली विशेषांक। हाँ फिर भाग गए मैडक, लेकिन मैं भी छलांग सिंह हूँ, इनसे भी लंबी छलांग लगाऊंगा। इनकी साथी टॉकी तो जेल पहुंची गई है, इनको भी वहीं पहुंचाऊंगा। टोर्स ने छलांग सिंह की बड़बड़ सुन ली थी। ये क्या कह रहा था यारो, टॉकी जी जेल में? सब हमारी गलती का नतीजा है, उनको तो हम छुड़ाएंगे ही पर पहले कटर को भी अपने साथ ले लें। हा, हम माल भी ले आए और अपने बीमे के रूप में एक बंधक मैडक भी, अब कोई डर नहीं, फटाफट इन नकली दवा की गोलियों और कैप्सूल बना, हमारी पार्टी माल लेने और नोट देने आती होगी। कंप्यूटर की मदद से टोट भी फैक्ट्री तक आ पहुंचे थे। आओ दोस्त तुम्हारा माल तैयार है, पैसे लाए हो ना? एकदम पूरा माल है, गिन लो। वो रहा अपना यार, चेनों से बेहोश लटका हुआ है, अभी जाकर उतारता हूं उसे। देख कोई बुरकाधारी आ रहा है, अभी बाहर मत निकलना। बुरकाधारी का माल कार्टनों में भर भरकर फैक्ट्री से बाहर जाने लगा, सभी माल रखने में बिजी हैं, यही मौका है, चल कटर को छुड़ा ले। टोड बड़े तो सब कुछ देख कर थे लेकिन किस्मत का क्या करते, अरे मर गया मेरा पैर दब गया, कमबख्त काम पर भी नहीं सोने देते। भाई मेरे तुझे पैर अंदर करके सोना चाहिए था ना,
मेढक, ये यहां पर भी आ मरे? खत्म कर दो इनको, यहां से जिंदा बचकर ना जाने पाए। मेढक, कहीं ये वही वाले मेढक तो नहीं है जिनका जिक्र मैं शुरू से ही सुनता आ रहा हूं? यहां से तुरंत निकल लेना चाहिए। जा मास्टर, उछलकर कार्टर को आजाद करा ले। इस बार तेरी चाल सफल नहीं होगी गलफड़े, क्योंकि इस बार हम तुझको गोली चलाने का मौका ही नहीं देंगे। अरे यार, इसको आजाद कराना तो जरा मुश्किल है, क्योंकि इसके हाथों हाथ पैरों में हथकड़ियां पड़ी हैं। इनकी चाबियां जरूर गलफड़े के पास होंगी। ला गलफड़े, फटाफट चाबी निकालो, हमको हमारे यार को खोलकर ये हथकड़ियां खुद पहन ले। तुझे मछलियों के अंदर छिपाकर नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में जेल तो जाना ही है। था तभी तीनों टोर्च के सिरों पर तीन कार्टूनों ने गिरकर उनके सिरों को ढक लिया। थप थप थप, और गुंडों की पूरी टोली ने उनको जकड़ लिया। मैडक उनकी ये चाल कामयाब, लेकिन उनकी ये चाल कामयाब नहीं हो पाई। ऐसे तो ये पीट पीट कर तुम सबका मिक्स भुर्ता बना देंगे। इन पर बेहोशी वाला स्प्रे छोड़ो। ये सलाह सभी को तुरंत समझ में आई। हा, अब तुम सबकी चीरफाड़ मैं अपने हाथों से करूंगा। अब हमें श्वास रोक कर लड़ना होगा टोर्स, हम दोबारा इसी चाल के शिकार नहीं बनेंगे। थार थार। बेहोशी का ये स्प्रे उड़ता हुआ कटर तक भी जा पहुंचा, और होश वालों को बेहोश करने वाले स्प्रे ने बेहोश कटर पर उल्टा ही असर किया। उसे होश आने लगा। मैं कहाँ हूं? मैं तो चेन से बना हुआ हवा में लटका हूं, कहीं मैं मरकर नरक तो नहीं आ गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो स्वर्ग वाला कैंडिडेट हूं। अरे ये क्या, मैं तो जिंदा हूं, मेरे तीनों यार भी यहां पर है और गुंडों से लड़ रहे हैं। मुझे इस कैद से आजाद होना होगा, अपने यारों की मदद करनी होगी। अगले ही पल कटर का बदन रबर के गुट्टे की तरह मुड़ने लगा, और तलवार उसके दांतों के बीच में आ दबी। ये ऑन हुई तलवार और ये कटी मेरी जंजीरें, और ये हो गया मैं आजाद। घबराना मत यारो, कटर आ गया है, कटर। अब मेरे आदमी इनके सामने नहीं टिक पाएंगे, मुझे पैसे वाला सूटकेस लेकर यहां से निकल लेना चाहिए। अरे हमको मेढकों के बीच में फंसा कर कहां पर भागे जा रहे हो बॉस? थोड़ी सी पिटाई खुद भी तो खाकर देखो। अबे छोड़ घोंगे, खुद तो भाग नहीं पाता और मुझे भी भागने नहीं दे रहा है। भागोगे कहां गलफड़े, अब तेरी भलाई इसी में है कि अपने आप को पुलिस सी के हवाले कर दो। ये इसके पापों का सबूत है टोर्स, इसको इसी के साथ पुलिस के हवाले करना होगा। अरे हाँ, पुलिस जी के पास तो इसको ले जाना है तौकी जी को बचाने। अब वहां पर जाकर सब सच सच बोल देंगे तो तौकी जी बच जाएंगी। अरे पहले सूटकेस खोल कर देख ले, देख तो ले कि इसमें सबूत है या ये खाली है। ठीक बात है। सूटकेस खोलते ही टोर्स उछल पड़े। अरे इसमें तो मुद्राएं भरी हैं, यानी ये पक्का सबूत है कि ये गलफड़े नकली दवाई बेचकर पैसे कमाता है। अरे अरे टोट्स भाइयों, ये देखो, इस पर तो मरे मच्छर चिपके हुए हैं। वही मच्छर जिनको मैंने तौकी जी के यहाँ मारा था पर खाया नहीं था। ओ, यानी ये वही वाली मुद्रा हैं, यानी वे लुटेरे इसी के आदमी थे। हमको इसी की वजह से इतने धक्के खाने पड़े, इसी के कारण तौकी जी को जेल जाना पड़ा। पीटो इसको, इसकी हड्डियां तोड़ दो। आई, मैं तो सचमुच में पिट रहा हूं। अरे मैं किसी तौकी को नहीं जानता, और ना ही ये पैसे मेरे हैं। ये पैसे तो मुझे वह देकर गया था। वह? अच्छा हाँ, वह बुरकाधारी कौन था? वह तो और गलफड़े जो बताता चला गया उसको सुनकर टोर्स की आंखें फटती चली गई। लो पुलिस जी भी आ गए, अब यहां से फटाफट निकल लो टोर्स, हमको पता चल गया कि तौकी जी को फंसाने के पीछे किसका हाथ है। और फिर टोर्स गटर के रास्ते निकल लिए। हवलदार जी, मुझे पकड़ लो, जेल में डाल दो, किसी भी ऐसी जगह पर पहुंचा दो जहां पर वे बैठक मेरे पास नहीं पहुंच पाए। मैं बहुत पापी हूं, मुझे कम से कम 100 साल की सजा देना है। यानी ये मैडक यहाँ पर थे और फिर भाग गए? ये तो बहुत बुरा हुआ। बुरा? ये तो बहुत अच्छा हुआ कि वे चले गए, पर तुम मुझे बचाने यानी पकड़ने कैसे आ पहुंचे? मैंने तुम्हारी गाड़ी का नंबर पढ़ लिया था, उसी नंबर से तुम्हारा पता लगाकर मैं यहाँ तक आ पहुंचा, पर वे मैडक फिर भाग गए। अब मैं फिर से इंस्पेक्टर कैसे बनूंगा? और इसी वक्त किसी दूसरे स्थान पर अब खतरा पास आता जा रहा है। मुझे अपना सामान समेट कर यहाँ से हमेशा के लिए रफू चक्कर हो जाना चाहिए। वे मैडक तो मेरे पीछे ही पड़ रहे हैं। पीछे पड़े नहीं, पीछे खड़े हैं। डायरेक्टर साहब, कौन हो तुम लोग, यहाँ पर क्यों आए हो? हम तौकी जी के दोस्त हैं, वही तौकी जी जिनके पैसों को तुम्हारी आदमियों ने लूटकर उन पर गबन का इल्जाम लगाया और उनको जेल भेज दिया। कौन आदमी, कैसे लुटेरे? मैं किसी लुटेरे या अपराधी को नहीं जानता। अब जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। यारो इसको स्मृति लोप हो गया है, मेमोरी खत्म हो गई है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं इसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश करता हूँ और मैं इसकी खोपड़ी काटकर इसका दिमाग बाहर निकालता हूँ। इसने बहुत मेढकों को काटा है, आज मेढक इसको काटेंगे। नहीं, तुम लोग ऐसा मत करना, मैं सब बता दूंगा, सच सच बता दूंगा, मेरा सिर मत काटना। क्या पता कि ये मेरा सिर काटे और अंदर दिमाग ही ना निकले, कितनी बदनामी होगी। बता, सब सच सच बता।
मैं अस्पताल का फंड खा जाता था और नकली दवाइयां गलफड़े से खरीद कर अस्पताल में सप्लाई कर देता था। जो डॉक्टर ये बात जान जाता था उसको मैं अस्पताल के लिए ही सामान लाने के पैसे दे देता था और फिर मेरे आदमी उससे वह पैसा लूट लाते थे और फिर मैं उन पर गबन का आरोप लगवाकर उनको जेल भिजवा देता था। यही मैंने डॉक्टर शर्मा के साथ किया और यही तौकी के साथ भी किया। अब तू अपने आप पुलिस जी के पास जा और उनको सब सच सच बताकर तौकी जी को और डॉक्टर शर्मा को छुड़वा दे, वरना हम तेरा ऑपरेशन करने फिर आएंगे था और फिर हमको माफ़ कर दीजिए तौकी जी, अब से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। अरे गलती कैसी, अगर तुम लोग यहाँ पर ना आते तो मैं जेल में सड़ती रह जाती। अच्छा अब तो बताइए कि हम ऐसा कौन सा काम करें कि लोग हमको निकम्मा निठल्ला ना समझे, जूतों से ना मारे। अरे तुम लोग तो बहुत काम क्यों, कौन कहता है कि तुम लोग निकम्मे निठल्ले हो। देख मैं ना कहता था कि हम काम के टोट्स हैं। समाप्त। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फाइटर टोट सीरीज की अगली कॉमिक्स अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।